ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की अर्बन रिटच फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में मैं आपको एकदम कंप्लीट रिटच बताऊंगा कि गाइस आप अपनी फोटो में अर्बन टोन कैसे डाल सकते हो एंड गाइस आपको डोजन वन से लेके गाइस मैं आपको रिटच तक सब कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप लोग गाइस वीडियो को ध्यान से देखना एंड गाइस अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अगर अच्छा आया तो गाइस मैं आप सभी के लिए और भी रिटच की वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करना जितना हो सके आप लाइक करना एंड गाइस हो सके तो एक आधा शेयर भी कर देना क्योंकि गाइस मेरे को वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है बट गाइस आपको शेयर करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो गाइस प्लीज अरे हो सके तो एक शेयर जरूर करना। बाकी गाइस आपको वीडियो को जो एकदम रिटच वाला पार्ट जो एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि गाइस इसमें अगर रिटच में क्या है कि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो गाइस आपके जो मतलब कि जितना भी आपने पीछे का देखा है गाइस सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आप लोग सारी वीडियो एकदम ध्यान से देखना एंड एकदम समझ समझ के। बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस आप सभी को जो है पहले अपनी फोटो को जो है लाइटरूम ऐप में ओपन करना है। देन गाइस आपको क्या करना है आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। फिर उसके बाद गाइस आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है आपको अपनी फोटो कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे थोड़ा कम करना है। एंड उसके बाद जो यहाँ पे हाईलाइट मिलेगा गाइस आपको दूसरा ऑप्शन आपको उसके हाईलाइट को भी कम कर देना है ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से नीचे मिलेगा थोड़ा सा जो एक्सपोजर है इसको भी यहाँ पे थोड़ा कम कर लेना है ठीक है। एंड जो शेडो होगा उसको आपको बढ़ा देना है एक्सपोजर को कम करके शेडो को बढ़ाना है आपको ठीक है। आपको देखना है कि और एक्सपोजर थोड़ा मतलब कितना कम कर लेना कि मतलब कि ज़्यादा शेडो नहीं दिखनी चाहिए फोटो में ठीक है। अपनी फोटो के हिसाब से आप देख लेना। बाकी आपको नीचे मिलेगा व्हाइट आपको गाइस व्हाइट को भी थोड़ा कम कर देना है जो गाइस फिर मिलेगा आपको ब्लैक इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है ठीक है क्योंकि हमें जो है ब्लैक डार्कनेस इसमें हटानी है। फिर आपको जाना है कलर्स में आपको यहाँ पे थोड़ी वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जाना है आपको फिर कलर मिक्स में आपको गाइस यहाँ पे येलो के बाद जितने भी कलर्स हैं सबका सैचुरेशन जो है आपको माइनस कर देना है ठीक है। सबका सैचुरेशन येलो के बाद में जितने भी कलर्स हैं सबका सैचुरेशन माइनस करना है। तो गाइस हमें सबका सैचुरेशन माइनस कर लेते हैं पहले यहाँ पे तो ब्लू का भी कर लिया हमने एंड यहाँ पे पर्पल कलर है जिसका भी हम कर लेते हैं। एंड जो गाइस पिंक कलर होगा ना गाइस इसका आपको ज़्यादा नहीं करना है इसको आपको थोड़ा सा कम करना है अराउंड 50 तक ठीक है 50-60 तक कर लेना एंड उसके बाद कर देना आपको डन ओके। तो उसके बाद आपको फिर जाना है ऐसे ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पे इसका सैचुरेशन माइनस करना अपने फेस के अकॉर्डिंग मतलब आपके फेस के अकॉर्डिंग आप देख लेना आपको कितना सैचुरेशन चाहिए एंड कितना ग्लो चाहिए अपने फेस पे ठीक है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको जाना है गाइस रेड वाले कलर में आपको जो लिप्स वगैरह होंगे गाइस उसका आपको यहाँ पे जो है उसका आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो ठीक है। जैसे कि भाई इसमें ह्यू को माइनस कर देता हूँ एंड सैचुरेशन को प्लस। तो गाइस यहाँ पे ना अभी मेरा थोड़ा फेस का जो कलर है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसको जो सैचुरेशन इसको थोड़ा इतना कर लेते हैं एंड जिसकी जो ल्यूमिनस है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं अब इतना परफेक्ट है। अब इसके बाद आपको डन कर देना है आपको जाना है गाइस यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स वाले दिख रहे हैं आपको सिंपली इसके ऊपर जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा शेडो आपको शेडो के सामने एक पॉइंट मिलेगा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना है एंड गाइस इसका जो ह्यू है आपको गाइस यहाँ पे येलो टोन या ब्लू टोन आपको इन दोनों में से किसी भी टोन में रख लेना है। वैसे ब्लू टोन में रखना क्योंकि गाइस इसमें अर्बन टोन देना था मैं ब्लू कलर में रखना पड़ेगा। फिर आपको जाना मिड टोन में गाइस आपको सेम वही करना है इसको आपको थोड़ा येलो में रखना है एंड उसके बाद आपको सैचुरेशन बढ़ाना है। तो गाइस येलो में इतना खास नहीं लग रहा है तो इसलिए हम इसको ब्लू ही रखेंगे तो हम इसको ब्लू में ले जाते हैं तो इतना परफेक्ट है। अब गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आपको हाईलाइट्स तो गाइस हाईलाइट्स में जो है आपको इसको भी ले जाना है यहाँ पे येलो टोन सॉरी ब्लू टोन की तरफ एंड उसके बाद आपको इसका सैचुरेशन जो है हल्का सा प्लस कर देना है ठीक है। इतना परफेक्ट है। अभी आपको इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे अभी हम इसको यहाँ पे ब्लू हाँ यहाँ पे ब्लू परफेक्ट है तो ब्लू ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर डन करना है एंड उसके बाद आपको जाना है गाइस सिलेक्टिव टूल में ठीक है। तो हम सिलेक्टिव टूल में जाएंगे क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा हमें जो है डार्कनेस वगैरह डालनी है ना तो उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल में। एंड गाइस सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फिर इसको क्रिएट पे क्लिक कर देना है एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन इसके ऊपर एक बार और क्लिक करना है ठीक है इस थर्ड वाले पे। एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको गाइस यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे प्रेस करके आपको ऊपर की तरफ लेकर आना है एंड उसके बाद आपको एक्सपोजर में जाना है आपको उसका थोड़ा एक्सपोजर कम करना है एंड उसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी क्लियरिटी जो थोड़ी नहीं आपको पूरी क्लियरिटी बढ़ा देनी है ठीक है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है फिर आपको अगेन गाइस इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है एंड आपको ये दोबारा से एक और लेना है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे हम इसके ऊपर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे अगेन जो आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे नीचे वैसे ये थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना है एंड उसके बाद आपको सिंपली कुछ स्टेप से इस तरह कर लेना है एंड उसके बाद अगेन आपको सेम चीज़ वही करनी है आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना है एंड उसके बाद आपको सिंपली इसका क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है ठीक है। तो आपको हम क्लियरिटी में चलते हैं इसकी क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देते हैं एंड उसके बाद आपको फिर अगेन क्या करना है अगर आप चाहो तो दो आप चारों तरफ में भी कर सकते हो ठीक है बट यहाँ पे अभी हम दो तरफ में कर रहे हैं बट हम एक बार देख लेते करके। तो वापस हम सिलेक्टिव टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे हम अगेन इस प्लस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम थर्ड वाला ऑप्शन लेंगे एंड उसके बाद हम फिर क्या करेंगे हम इसको सिंपली कुछ स्टेप से यहाँ से लाएंगे एक लाइन एंड उसके बाद हम इसका एक्सपोजर करेंगे सेम वापस से वैसे ही कम एंड उसके बाद यहाँ से इस पर जाएंगे एंड इसके जो क्लियरिटी है इसको कम कर देंगे कम ठीक है। फिर इसका इतना हो जाने के बाद आपको फिर ये करना है आपको क्या यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर से नीचे की तरफ भी ला सकते हो ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
तो इसको हम सिंपली यहाँ से ले लेते हैं एंड वापस से इसको ले लिया हमने एंड हम इसको ऊपर से ले आते हैं। एंड गाइस नीचे से लाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे साइड में जो एक डस्टबिन के ऊपर जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है एंड गाइस आपको जो है ऊपर की तरफ चले जाएगा ऐसे। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको इसको सिंपली ऊपर की तरफ कुछ स्टेप्स ऐसे ले जाना है एंड उसके बाद आपको सेम चीज़ वही करनी है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना है एंड उसके बाद आपको नीचे इसके वाला ऑप्शन में जाकर आपको सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर देनी है एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है। तो अब क्या करना है गाइस आप सभी को, अब यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है इस वाले नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो टेक्सचर है वो डाल देना है थोड़ा सा, मतलब कि जो टेक्सचर होगा आपकी फोटो में वापस आ जाए एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे वाले टूल में आपको जो विग्नेट दिख रहा है आपको सिंपली इसको विग्नेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम इसका क्लियरिटी वगैरह थोड़ा कम कर लेते हैं एंड जो विग्नेट है आपको सिंपली विग्नेट डालना है इसमें कुछ अराउंड इतना डाल देना है अराउंड 13 तक एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से फिर नीचे जाना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है नीचे वाले टूल में एंड यहाँ पे आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ाना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली अभी तो हमारा जो लाइट रूम का जितना भी काम था वो तो हमने कर लिया है, बट अभी इसमें और भी प्रोसेस बाकी है हमारा जो कि हमें स्नैपसीड के अंदर करेंगे, क्योंकि गाइस स्नैपसीड में क्या है कि हमारी फोटो की जो कोई भी क्वालिटी होगी उसका वो लॉस नहीं होगी। तो अभी हम सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं स्नैपसीड में। जब तक गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो जब तक, एंड गाइस चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि गाइस आपसे के लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो अब गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने स्नैपसीड में, अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम यहाँ पे सिंपली अपनी जो फोटो थी हमारी जो हमने लाइट रूम में एडिट करी थी उसको ओपन कर लेंगे एंड उसके बाद आपको फिर यह करना है, यहाँ पे गाइस आपको जाना इस ब्रश वाले ऑप्शन में एंड आपको ब्रश वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर अपनी फोटो को यहाँ पे जूम करना है एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको फिर ये करना है, यहाँ पे आपको अपनी बॉडी के ऊपर जो है कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है ऐसे इस तरीके से एंड उसके बाद आपको फिर कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे पेंट करना है। ठीक है, मतलब यानी कि एक डोजन बन करना है मतलब अपनी फोटो में, मतलब कि यार क्या होता है ना कि अर्बन जब अब जब हम अर्बन टोन देते हैं ना तो उस टाइप पर अगर हमने अपनी फोटो में डोजन बन नहीं किया तो यार हमारी फोटो जो बिल्कुल अधूरी लगती है एंड फोटो अधूरी लगती है एंड जो एक शाइनिंग नहीं आती तो यार फोटो मतलब इतनी खास नहीं लगती। तो हमने इतना अच्छा टोन दिया है फोटो में तो डोजन बन करना बहुत जरूरी है एंड गाइस डोजन बन आप भी चाहो तो स्नैपसीड में कर सकते हो, क्योंकि स्नैपसीड में क्या है कि फोटो क्वालिटी को कोई भी लॉस नहीं होता है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से आपको पैंट पैर वगैरह जहाँ जहाँ पे आपको डोजन बन देना हो वहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे भी कर लेते हैं अपने हेयर्स के पास एंड यहाँ पे थोड़ी बियर्ड वगैरह पे भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बियर्ड पे भी कर देते हैं एंड इतना पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड डन कर देंगे। अब उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे दोबारा से इस पेंसिल वाला ऑप्शन में जाना है, आपको साइड में दिख रहा होगा ये थर्ड वाला बीच में जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको बिफोर एंड आफ्टर देख लो गाइस जब तक एंड उसके बाद आपको ये गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फेस में जो क्लियरिटी डालनी है तो उसके लिए हम जाएंगे प्लस पेंसिल पे क्लिक करेंगे एंड सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे, हम सिंपली अपने फेस के ऊपर कुछ स्टेप से ले जाएंगे इसको एंड उसके बाद क्या करेंगे हम इसका जो है इसको ब्राइटनेस को जो कुछ इस टाइप से रख लेंगे एंड उसके बाद इसकी ब्राइटनेस जो है हल्का सा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, आपको उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है प्लस तक कर देना है 5 तक एंड इसका सैचुरेशन जो होगा उसको भी आपको थोड़ा माइनस कर देना है। एंड तो गाइज फाइनली जो हमारी फोटो है यहाँ पे एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइज आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।